नमस्कार दोस्तों, इस मिशन कलेक्टर के वीडियो ब्लॉग में यूपीपीसीएस 2018 के मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और आईएएस 2015 के जीएस पेपर वन के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया पेपर वन में कि भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभावों की विवेचना उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए, और सेम यही क्वेश्चन 2015 में आईएएस में पूछा गया कि भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। केवल एक अंतर है कि यूपीपीसी में लिख दिया गया है कि भाई आप उदाहरण के साथ बताएं। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप में यह समझ होनी चाहिए कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण बेसिकली है क्या। वैश्वीकरण दरअसल एक जुड़ाव है, एक इंटरकनेक्शन है लोगों, क्षेत्रों और देशों के बीच। यह वस्तुओं, सेवाओं, ज्ञान, पूंजी और लोगों के बीच के जुड़ाव को कहते हैं। दरअसल जो वैश्वीकरण है वह एक विश्वव्यापी जुड़ाव होने के कारण राज्य की आर्थिक और जो राजनीतिक नीतियां हैं उन नीतियों पर प्रभाव डालने लगा है। वैश्वीकरण दरअसल सूचना संचार के तकनीक की तरक्की से जुड़ा हुआ है और इस तरक्की का लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, दरअसल कोई भी वैश्विक प्रक्रिया लोगों की सोच को भी प्रभावित करती है। तो जब आप इस तरह के प्रश्न को हल करते हैं तो आपको ये दिखाना होता है कि वैश्वीकरण के दौर में अपनाई गई राजनीतिक और आर्थिक नीतियों का महिलाओं पर क्या प्रभाव होगा। सूचना संचार की तकनीक की तरक्की के बिना वैश्वीकरण की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो इस तकनीक ने महिलाओं को सशक्त किया है या अशक्त किया है, और क्या वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिकरण को भी परिवर्तित किया है, क्या हमारी वो सोच को भी परिवर्तित कर रहा है, क्या महिला की जो प्रदत्त स्थिति थी, जो उसका गिवन स्टेटस था पैट्रियार्कियल सोसाइटी में, पितृसत्तात्मक समाज में, उस प्रदत्त स्थिति को भी वह बदल रहा है, और क्या महिला कोई नई अर्जित स्थिति, अगर समाजशास्त्रीय तकनीकी शब्दावली में बात करें तो अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति होती है, और परिस्थिति का मतलब होता है समाज में स्थिति। महिला की समाज में स्थिति को लेकर जो सोच है वह सोच भी बदल रही है। इसका मतलब यह है कि हम नीतियों, आर्थिक इकाइयों, राज्य की नीतियों, आर्थिक इकाइयों, इसके साथ ही सूचना संचार की तकनीक, सामाजिकरण की प्रक्रिया, इन सब का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसे हमें अंकित करना पड़ेगा। इसमें हम इस प्रश्न को हल करते समय हम लोग वास्तव में वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को अलग अलग बांटकर देख सकते हैं। वैश्वीकरण का जो सकारात्मक प्रभाव वह मुख्य तौर पर चार शीर्षकों के अंतर्गत आप बांटकर दिखा सकते हैं। वैश्वीकरण का एक बहुत जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव है उत्तोलन का उभार। एक दूसरा सकारात्मक प्रभाव है कि महिला को एक व्यक्ति के रूप में पहचानने की प्रवृत्तियां कम से कम उच्च वर्ग और मध्य वर्ग में दिखाई पड़ने लगी है। वैश्वीकरण में संचार तकनीक की तकनीक ने महिला सशक्तिकरण को कुछ हद तक संभव बनाया, कई मायनों में संभव बनाया है, ई गवर्नेंस और मोबाइल गवर्नेंस के जरिए, और लिंगी अन्यायों को दूर करने में सूचना तकनीक की जो तरक्की है, चाहे वह व्हाट्सएप के रूप में हो, चाहे वह इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया के जो दूसरे रूप हैं,
उन पर आधारित हो, इनका उपयोग क्या किया जा रहा है। तो वैश्विक महिला आंदोलन के उभार, महिला को एक व्यक्ति के रूप में पहचानने की प्रकृति, लिंगी अन्याय को दूर या संचार तकनीक की तरक्की और महिला सशक्तिकरण और लिंगीय अन्याय को दूर करने में महिलाओं के संगठित और एकजुट होने पर संचार तकनीक का इस्तेमाल, ये वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि अभी तक के अगर आप महिला आंदोलनों की प्रकृति को देखेंगे तो वो एक देश के भीतर के महिला आंदोलन रहे हैं। जैसे भारत में 1992 का आंध्र प्रदेश का ताड़ी विरोधी आंदोलन, जो शराबखोरी, पुरुषों के शराबखोरी के विरोध में महिलाओं का एक आंदोलन था, वह एक देश के भीतर का आंदोलन था। वह उसकी प्रकृति हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीय थी। लेकिन अगर हम लोग मीटू मूवमेंट की बात करें तो यह एक वैश्विक महिला आंदोलन था जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर भारत तक फैल गया और पहली बार पब्लिक स्पेसेस में, सार्वजनिक स्थानों पर जो महिलाओं के विरुद्ध जो उत्पीड़न, हिंसा, भेदभाव की जो चीजें होती हैं उनके खिलाफ क्या है, आवाज उठाई गई। तो इस दृश्य से अगर देखें हम तो एक वैश्विक महिला आंदोलन के उभार में वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव। और एक ये भी बात है कि महिला आंदोलनों के पहले के जो मुद्दे थे वे मुद्दे और अब के जो मुद्दे हैं उनमें थोड़ा फर्क है। अगर हम लोग अपने भारत की बात करें तो भारत में दरअसल जो महिला की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें जो परंपरागत कुरीतियां थीं, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह का संभव न होना, स्त्री महिलाओं को शिक्षा के अधिकार प्राप्त न होना, उन परंपरागत कुरीतियों को दूर करने की बात आई। दूसरे दौर में महिला आंदोलनों का जो दूसरा दौर था उसमें बलात्कार से लेकर उनकी राजनीति में जो सहभागिता थी, राजनीति में जो उनका वास्तव में भागीदारी थी, इसको लेकर कुछ मुद्दे उठाए गए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इस चीज को अगर हम देखें तो मीटू मूवमेंट जो है वह लिंगी अन्याय को उठाता है। तो मुद्दे के दृश्य से भी, अपने प्रसार की वैश्विकता के दृश्य से भी यह जो वैश्वीकरण का यह एक सकारात्मक प्रभाव है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जब आप एक महिला को, वास्तव में महिला को उसकी परिस्थिति को, उसके स्टेटस को पहचानते हैं, तो यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि आप उसे एक जो सामूहिक स्तर पर जो एक पहचान दी गई है उस सामूहिक स्तर पर पहचान के आधार पर आप उसे देखते हैं, या उसकी अर्जित पहचान, अर्जित योग्यता के आधार पर क्या है आप देखते हैं। तो बहुत अगर वास्तव में इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करें तो मध्य वर्ग और उच्च वर्ग में एक कामकाजी महिला को एक व्यक्ति के रूप में पहचानने की प्रवृत्ति का एक उभार हुआ है। हालांकि ये निम्न जो वर्ग है उसमें ये प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन ये भी एक वैश्वीकरण का एक प्रभाव है। और इसमें आप एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि अभी फरवरी 2019 में आनंद ग्रोवर सुप्रीम कोर्ट की प्रसिद्ध वकील इंदिरा जयसिंह के मामले में पैरवी करने के लिए उतरे। चूंकि आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह पति और पत्नी हैं, तो जो उस समय अटॉर्नी जनरल साहब थे वेणुगोपाल जी, उन्होंने कोर्ट के जज के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा पूछने पर कि आप किसके तरफ से मुकदमा लड़ रही हैं, उन्होंने आनंद ग्रोवर ने ये बताया कि भाई वो इंदिरा जयसिंह का मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन वेणुगोपाल जी ने ये कहा कि आप ये क्यों नहीं कह देते कि अपनी पत्नी का मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ, या इंदिरा जयसिंह मेरी पत्नी है। इस बात पर इंदिरा जयसिंह बहुत तमतमा उठी और उन्होंने वेणुगोपाल के से कहा कि आपको अपना रिमार्क वापस लेना चाहिए। इस पूरी परिघटना को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यह हो रहा है
कि महिला को एक व्यक्ति के रूप में पहचाना जाए। और इंदिरा जयसिंह ने कहा कि आई एम अ पर्सन, मुझे एक वकील के रूप में आप पहचानिए। दरअसल हम इसको अगर इस पूरे वास्तव में संकल्पना को यहाँ पर एक माध्यम एक संदर्भ में देखें तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि एक महिला की जो पहचान है उस पहचान को जो उसकी प्रदत्त पहचान है कि वह किसकी पत्नी है किसकी माँ है किसकी पुत्री है इसके आधार पर देखा जाए या एक महिला की जो पहचान है वह उसके अर्जित योग्यताओं पद आदि के आधार पर देखा जाए। यहां पर आप ये देखेंगे कि उच्च वर्ग और मध्य वर्ग और खास तौर पर जो सेलिब्रिटीज हैं उनमें आप ये देखेंगे कि जो सफल सेलिब्रिटीज हैं पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं वहां पर इस बात का बल है कि मेरी जो अपनी पहचान है अर्जित पहचान है उस अर्जित पहचान को या अर्जित परिस्थिति को स्वीकार किया जाए, मैं प्रदत्त परिस्थिति को स्वीकार नहीं करूंगी। ये भी एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति है। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि महिला को एक व्यक्ति के रूप में पहचानने की जो एक प्रवृत्ति है यह भी एक वैश्वीकरण एक सकारात्मक परिणाम है। तीसरी बात यहाँ पर यह कि संचार तकनीक की तरक्की ने महिला सशक्तिकरण को संभव बनाया है। जो महिला सशक्तिकरण है वह संभव बना है और इसे आप एक वास्तव में इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। दरअसल संचार तकनीक की तरक्की ने राज्य को यह क्षमता दे दी है कि वह सुपात्र महिलाओं की पहचान करके उन्हें जो लाभ है वह प्रत्यक्ष तौर पर अंतरित कर सके और जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जो तकनीक भारत में अपनाई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 40,000 करोड़ रुपए के आसपास है और ये 40,000 करोड़ की जो सब्सिडी है लाभार्थियों के खाते में सीधे डाली जा रही है, ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मोबाइल गवर्नेंस और इन सब के बिना ये संभव नहीं था। और यहाँ पर आपको ये भी आप ये जानते होंगे कि वैश्वीकरण सूचना संचार तकनीक और उसकी तरक्की से बहुत गहराई से क्या है जुड़ा हुआ है। इसीलिए सरकार के द्वारा जब 2018-19 का सर्वे प्रस्तुत किया जाता है तो कहा जाता है कि जो वित्तीय समावेशन है महिलाओं के मामले में वह बहुत मजबूत वह बेहतर हुआ है। बैंक खाता रखने वाली जो महिलाएं थी वह 2005 और 6 में 15.5% थी लेकिन आज वे 53% के आसपास है। 2015-16 में 53% के आसपास हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि चाहे वह गैस सिलेंडर की सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खाते में अंतरित करने की बात हो, पीएम किसान के 6,000 रुपये को सीधे पुरुष किसानों या महिला किसानों के खाते में सीधे अंतरित करने की बात हो, या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता स्कीम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्लान के तहत 80 लाख विधवाओं के पेंशन देने के मामले में ये उम्मीद बनने की बात हो कि भविष्य में उन्हें भी सभी जगहों पर प्रत्यक्ष तौर पर लाभ उनके खाते में अंतरित कर दिया जाएगा, या 2,20,00,000 वृद्धावस्था पेंशन को अंतरित करने की बात हो, ये सूचना संचार की तकनीक की तरक्की के बिना संभव नहीं था। और सूचना संचार की तरक्की जो है वो वैश्वीकरण से वैश्वीकरण के साथ हुई है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो वास्तव में वैश्वीकरण है इस वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वह प्रभाव वास्तव में संचार तकनीक की तरक्की और महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है उसको हम लोग आगे समझेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे सूचना संचार की तरक्की ने उसके प्रसार ने वैश्विक महिला आंदोलनों का उभार उभार के लिए एक पृष्ठभूमि बनाई और
हम ये कह सकते हैं कि हैशटैग आधारित मीटू मूवमेंट जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को के रेजिस्टेंस में पूरे विश्व स्तर पर शुरू हुआ, वह मीटू मूवमेंट सामने आया। उसी तरह से लिंगी अन्याय को दूर करने में भी अंतर क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य के भीतर भी सूचना संचार की जो तकनीक की जो तरक्की है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने एकजुट होकर प्रतिरोध किया, और कुछ दिनों पहले इंडिया टुडे में अखिल भारतीय मुस्लिम महिला संगठन की एक नेता साइस्ता अंबर ने इंटरव्यू में कहा कि अगर मोबाइल नहीं होता तो इतना एकजुट होकर कार्य करना संभव नहीं था। तो लिंगी अन्याय को दूर करने में जो एक देश के भीतर के जो आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलनों में भी हम सूचना संचार की जो तकनीक है उसकी जो तरक्की है उस तरक्की के सकारात्मक पहलुओं को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव के रूप में कही जा रही हैं और देखी जा रही हैं। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नकारात्मक प्रभावों की तुलना में अपेक्षाकृत ज़्यादा है। अब उन नकारात्मक प्रभावों को थोड़ा सा देखेंगे कि वैश्वीकरण के महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव क्या है। दरअसल परिवार जो है वह अब न तो आत्मनिर्भर इकाई है न ही वह राज्य निर्भर इकाई है, बल्कि वह बाजार निर्भर इकाई हो गया है। और बाजार निर्भर इकाई होने से महिलाओं पर भार बढ़ जाता है। दूसरी बात यह कि कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों पर बहुराष्ट्रीय निगमों का जो प्रभाव यह देखा गया है इससे महिला रोजगार क्या है छिने हैं। तीसरी बात यहाँ पर यह कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मशीनीकरण का महिलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और दुनिया में हर जगह वैश्वीकरण ने एक हमारे पृथ्वी जो ग्रह को एक हाइपर मोबाइल प्लैनेट बना दिया, और इस हाइपर मोबाइल प्लैनेट में डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, विस्थापन हुए हैं, माइग्रेशन हुआ है, और इस विस्थापन और माइग्रेशन का प्रभाव अंततः परिवार की महिलाओं पर पड़ता है। इसके साथ ही आप ये देखेंगे कि एक डिजिटल डिवाइड देखा जा रहा है, वो डिजिटल डिवाइड महिलाओं के मामले में जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा वैश्विक सोशल मीडिया के कुछ जो प्रवृत्तियां हैं वो महिलाओं को मजबूत करने के बजाय महिलाओं को कमजोर कर रही हैं। अब इसमें पहले कारण को क्या है अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो उस कारण को क्या है हम लोग समझ सकते हैं। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को समझने के लिए दरअसल राज्य की नीतियों को वैश्वीकरण कैसे प्रभावित करता है और उन प्रभावों का प्रतिप्रभाव कैसे परिवार पर पड़ता है इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि राज्य और राज्य की नीतियों का परिवार पर प्रभाव, परिवार में महिला की स्थिति पर प्रभाव, यहाँ पर इसको हमें समझने के लिए भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण को यहाँ पर कैसे इन चीजों को प्रभावित करता है इसको समझना पड़ेगा। देखिए भूमंडलीकरण के पहले का जो परिवार था, मतलब हम लोग यहाँ पर ये कहें कि भूमंडलीकरण के या वैश्वीकरण के पहले का जो परिवार और भूमंडलीकरण के बाद का जो परिवार है उसमें थोड़ा सा नीतिगत स्तर पर राज्य के प्रभाव जो हैं वो अलग अलग रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन से पहले, मतलब हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पूर्व औद्योगिक समाज को अगर हम लोग देखें, प्री एग्जिस्टिंग जो प्री इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी थी उसमें अगर हम लोग देखें, और इसके साथ ही यहाँ पर जो औद्योगिक समाज है उसमें यहाँ पर देखें, तो आप ये पाएंगे कि जो पूर्व औद्योगिक समाज है यहाँ पर जो परिवार था यह आत्मनिर्भर इकाई था। मतलब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि परिवार आत्मनिर्भर इकाई था,
और आत्मनिर्भर इकाई होने का मतलब यह है कि परिवार ये उम्मीद नहीं करता था कि राज्य उसके लिए कुछ करेगा। शिक्षा की जिम्मेदारी अपने सदस्यों के परिवार के ऊपर थी, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी परिवार के ऊपर थी, इसके साथ ही चिकित्सा की जिम्मेदारी परिवार के ऊपर थी, वृद्धों के देखभाल की जिम्मेदारी परिवार के ऊपर थी। औद्योगिक समाज जब आया तो यहाँ पर कल्याणकारी समाज की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी आ गई। जो कल्याणकारी राज्य था उसने कहा कि भाई परिवार की बहुत सारी चीजें हम करेंगे। इस तरह से परिवार जो है अब आत्मनिर्भर इकाई के बजाय वह राज्य निर्भर इकाई बन गया। राज्य निर्भर इकाई हो गया तो परिवार की बहुत सारी जरूरतें जैसे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा देखभाल, वृद्धों की देखभाल, इन सब में राज्य ने कहा कि हम ये जिम्मेदारियां क्या है निभाएंगे। और भारत जैसे देशों में भी आप देखें कि ये परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, ये चीजें दिखाई पड़ती हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने एक न्यूनतम राज्य की अवधारणा पर बल दिया। वह न्यूनतम राज्य की जो अवधारणा थी उसने कल्याणकारी राज्य के कार्यों को सीमित करने की अवधारणा को आगे बढ़ाया। और इस तरह से जो परिवार आत्मनिर्भर इकाई था पहले, फिर बाद में राज्य निर्भर इकाई हो गया, वह ग्लोबलाइजेशन के नीतियों की प्रभाव की वजह से अब वह बाजार निर्भर इकाई क्या है यह हो गया। भारतीय समाज नामक किताब में रत्ना सेठ और उनकी जो सहलेखिका है वह लिखती हैं कि राज्य ने परिवार की जो जिम्मेदारियां थी उन जिम्मेदारियों से अपने आप को धीरे धीरे मुक्त करना शुरू किया। और कई बार हम भारतीय संदर्भ में भी देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आयुष्मान योजना में एक परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा, यह लाभ राज्य जो है वह हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को देगा, वह वास्तव में हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड नहीं करेगा। राज्य जो है वह स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के लिए ढांचा बनाने के बजाय, स्वास्थ्य को अधिकार घोषित करने के बजाय स्वास्थ्य की लागत को उठा रहा है। लेकिन ये लागत बाजार निर्भर व्यवस्था पर, बाजार निर्भर संस्थाओं से क्या है जुड़ी हुई है। और यहीं पर विद्वान कहते हैं कि यहीं पर एक खतरा है। खतरा ये है कि कल को राज्य ये कहे कि हम ये खर्चे नहीं उठा सकते हैं, इसलिए अपने आप को इस जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जिसने अपने बीमा का पैसा चुकाया है, प्राइवेट हॉस्पिटल उसका ध्यान ज़्यादा देंगे, या आयुष्मान योजना में जिसने, जिसको बीमा का पैसा सरकार से मिल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल उनका ध्यान देंगे, ये सब भी मुद्दे हैं। कहने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वह एक ऐसी नीति को आगे बढ़ाता है जिसमें परिवार आत्मनिर्भर या राज्य निर्भर इकाई न होकर बाजार निर्भर इकाई बन जाता है। और बाजार निर्भर इकाई होने का मतलब ये है कि परिवार की बहुत सारी जरूरतें बाजार से, उसे बाजार से खरीदनी पड़ेंगी। और ऐसी स्थिति में महिलाओं की स्थिति जो होती है वह परिवार के भीतर की बहुत सारी जिम्मेदारियों, कार्यों, इन सब के वजह से जुड़े होने की वजह से और क्या होती है, कमजोर होती है। तो यहाँ पर ये एक ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जब भी आप ग्लोबलाइजेशन को, वैश्वीकरण को, भूमंडलीकरण को ध्यान से समझना शुरू करेंगे तो वैश्वीकरण जो है वह वैश्विक आकार के संगठनों को आगे बढ़ाता है। वैश्वीकरण विचारधारा की दृष्टि से, विचारधारा की दृष्टि से मुक्त नहीं है, यह भी एक किस्म के वैश्विक पूंजीवाद को आगे बढ़ाता है। जो बड़े बड़े MNCs के रूप में, मल्टीनेशनल कंपनीज के रूप में सामने आता है। और जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनीज के रूप में वैश्वीकरण हमारे सामने आता है, वैसे ही दुनिया के हर देश में प्रवृत्ति देखी जाती है कि वहाँ के लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
और वहाँ के जो कुटीर उद्योग हैं वो धीरे धीरे अपने सर्वाइवल के संकट में, संकट से जूझने लगते हैं। जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो अपना लागत कम कर सकती हैं और स्केल को बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर सकती है, लेकिन जो लघु उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के संख्या के कम होने और भारत जैसे देशों में बर्बाद हो जाने की वजह से भारत में महिलाओं की आजीविका पर, महिलाओं के रोजगार पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव यह है कि फैशन डिजाइनिंग से लेकर सौंदर्य प्रसाधन के विभिन्न क्षेत्रों में, वित्तीय क्षेत्रों में, बैंकिंग के क्षेत्र में जो व्हाइट कॉलर जॉब है उनमें महिलाओं के लिए मौके बढ़े हैं। लेकिन यह भी बात है कि लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के एमएनसी से मुकाबला नहीं कर पाने की वजह से महिलाओं का रोजगार छीना भी है। जैसे यहाँ पर उदाहरण से आप इस बात को समझिए कि चीन और कोरिया से आने वाले रेशम के यार्न ने बिहार और बनारसी साड़ी बनाने वाली जो महिलाएं थी उनसे रोजगार छीन लिया, क्योंकि इस यार्न को न तो इस जो पहले महिला बुनकरों के द्वारा, कामगारों के द्वारा जो बनाया जाता था उसको न तो अब बुनकर पसंद कर रहे हैं और न ही उपभोक्ता पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात यहां पर यह, दूसरा उदाहरण यहां पर यह देखा जा सकता है कि गुजरात में गोंद जो है उनका गोंद का संग्रहण करने वाली महिलाओं का रोजगार छिन गया, क्योंकि सूडान से एक जो समझौता हुआ भारत का, उस समझौते की वजह से वह गोंद इतनी सस्ती थी कि गुजरात की महिलाएं जो गोंद निकालने के काम से जुड़ी हुई थीं उनका रोजगार वहां पर छिन गया। इसी तरह से आजकल समुद्र में मछलियां निकालने के लिए बड़े बड़े जहाजों का, मशीनीकृत जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो मशीनीकृत जहाज हैं इनका इस्तेमाल किए जाने की वजह से भारतीय मछुआरे और उन मछुआरों के साथ लगी हुई वे महिलाएं जो मछलियों को बीनने का, मछलियों को सुखाने, इन सब का काम करती थी, उनका भी रोजगार क्या है, छीना। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको एक उदाहरण के संदर्भ में देखें तो ग्लोबलाइजेशन का महिला रोजगार की स्थिति पर बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, और उसके ये क्या है विभिन्न उदाहरण हैं। चूंकि उदाहरण के साथ यूपी पीसीएस में पूछा गया, इसलिए आप इन उदाहरणों को भी, एक दो उदाहरणों को भी संकेत करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप ये देखें तो एक और चीज है कि क्या पंजाब की हरित क्रांति ने महिला जो मजदूर थी उनके अस्तित्व, उनके काम को समाप्त कर दिया? तो यहाँ पर एक एशियाई विकास बैंक का अध्ययन है जो बताता है कि हाँ। इसका मतलब ये है कि वैश्वीकरण का एक तीसरा प्रभाव ये होता है कि कृषि का मशीनीकरण तेजी से होता है, और जब कृषि का मशीनीकरण तेजी से होता है तो उन मशीनों को चलाने का काम जैसे ही सामने आता है उसमें पुरुष जो हैं उनको मौके मिलते हैं महिला मजदूरों को वहां से हटा, महिला मजदूरों का वहां पर जो रोजगार है वह रोजगार क्या है, छिन जाता है। चौथी यहां पर महत्वपूर्ण बात यह कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो माइग्रेशन माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट, प्रवास और विस्थापन, ये दोनों क्या है इससे जुड़े हुए हैं। और माइग्रेशन का जो भार है वह कई बार परिवार की जिम्मेदारियों के संदर्भ में महिलाओं को निभाना पड़ता है, और इसके मनोवैज्ञानिक नुकसान भी हैं। जैसे केरल में आत्महत्या दर के ज़्यादा होने का एक कारण यह भी है कि केरल के बहुत सारे पुरुष जो है वे खाड़ी के देशों में काम करते हैं, या केरल के लोग खाड़ी के देशों में काम करते हैं, और इससे एक अकेलापन और अवसाद पैदा होता है। तो इसका भी महिलाओं पर पुरुषों की तुलना में ज़्यादा नकारात्मक, ज़्यादा जो नकारात्मक है
वह प्रभाव क्या है होता है। इसके अलावा अगर हम भारत में डिजिटल डिवाइड को देखें तो उसमें भी हमें जेंडर फैक्टर्स समझ में आएंगे। ग्लोबलाइजेशन जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की से गहराई से जुड़ा हुआ रहा है। दरअसल जो वैश्विक जुड़ाव ग्लोबलाइजेशन में हम पाते हैं वह वैश्विक जुड़ाव जो है वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी के बिना संभव नहीं था। आज दुनिया में इंटरनेट यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में 50% से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज करने लगे हैं। डेटा की कीमतों के कम होने की वजह से एक औसत भारतीय जो है 18 घंटे एक महीने में वह वास्तव में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। लेकिन इसमें बहुत जो महत्वपूर्ण बात है, चिंताजनक बात है, वह यह भी है कि जो डिजिटल डिवाइड है वो महिला और पुरुष के बीच में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। महिलाएं केवल 16% इंटरनेट या मोबाइल यूजर हैं, जो पुरुषों की तुलना में 54% कम है। और जब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि डिजिटल एम्पावरमेंट जो है वो दूसरे एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। इसके आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं। कुछ महिलाएं डेटा हमारे यहाँ कम कीमत पर मिलता है लेकिन मोबाइल खरीदना अभी भी उतना आसान नहीं है, ये आर्थिक कारण है। कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, कुछ पढ़ी लिखी हैं लेकिन वे जागरूक नहीं हैं, इसलिए वे स्मार्टफोन को यूज़ नहीं कर सकती हैं या नहीं करना चाहती हैं। और इसके साथ ही सांस्कृतिक कारक ये है कि स्मार्टफोन को सामाजिक जो ढांचा है उसके चुनौती के रूप में देखा जाता है। दरअसल डिजिटल एम्पावरमेंट को सोशल स्ट्रक्चर के चुनौती के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो डिजिटल डिवाइड है ये भी ग्लोबलाइजेशन का महिलाओं पर एक नेगेटिव क्या है, इम्पैक्ट है। इसके साथ ही पूरे विश्व स्तर पर एक वैश्विक सोशल मीडिया का उभार हुआ है। लेकिन वैश्विक सोशल मीडिया में जो महिला की जो छवि प्रस्तुत की जा रही है वह महिला की छवि ऐसी है जो उसके खिलाफ भेदभाव को, हिंसा को बढ़ाने वाली भी है कई मायनों में। और वहाँ भी महिला को एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में या तो प्रस्तुत किया जा रहा है कई मायनों में, या फिर महिला को परंपरागत, महिला को हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत जो उसकी भूमिका है उस रूप में भी क्या है, प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वैश्विक सोशल मीडिया के संदर्भ में भी हम ये नहीं पाएंगे कि वह पैट्रियार्की को ध्वस्त करने वाला है, पैट्रियार्की को ध्वस्त करने वाला है। दरअसल जो परंपरागत जो मूल्य हैं उन परंपरागत मूल्यों का वास्तव में या पितृसत्तात्मक मूल्यों का वो प्रभाव जो है उस प्रभाव को मीडिया कम नहीं करता है, कई बार मजबूत करता है। जैसे करगिल में शहीद हुए सैनिकों को जो मुआवजे के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में जो राशियां दी जानी थी वो उनके विधवाओं को दी जानी थी, लेकिन ये देखा गया कि जो वे राशियां दी गईं उन राशियों को परिवार के भीतर ही रखा जाए, इसलिए करगिल शहीदों की विधवाओं को कई बार उन्हीं परिवारों के अवयस्क देवरों से या दूसरे लोगों से शादी कर दिया गया ताकि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है वो दूसरे परिवार में न जा सके। तो मीडिया से ये हम सकारात्मक रूप हम नहीं देख पाते हैं कि वह पितृसत्तात्मक ढांचे को कहीं चैलेंज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि जो सोशल मीडिया है, जो वास्तव में सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया का दोहरा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक तरफ हम उसे महिला सिक्योरिटी से जुड़े हुए तमाम ऐप को डेवलप करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा हम महिला को वास्तव में सेक्सुअल असॉल्ट का पीड़ित भी उसके माध्यम से बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कठुआ जो दुराचार हुआ था उस कठुआ दुराचार को कवर करने वाली एक पत्रकार थी, उन पत, आ,
उस उन पत्रकार को दरअसल केवल इसलिए कि उन्होंने बलात्कार के खिलाफ या गैंग रेप के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनके ऊपर या उनके वास्तव में प्रतिचित्र पर, चित्र पर कुछ ऐसी वास्तव में एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए डीप फेक और डीप न्यूड जैसे ऐप और टेक्निक का प्रयोग करके रिवेंज पॉर्न बनाए गए और उसको व्हाट्सएप पर और इसके साथ ही ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह उसको सर्कुलेट कर दिया गया। तो जितना वास्तव में वैश्वीकरण में महिलाओं को हम सूचना तकनीक की तरक्की से, संचार का, संचार साधनों के इस्तेमाल से जितना हम सशक्तिकरण देखते हैं, उतना ही इनका दुरुपयोग होने पर, दरअसल एक दुरुपयोग होने पर उतना ही नकारात्मक प्रभाव भी क्या है, दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग इसको समराइज करें तो वैश्वीकरण का महिलाओं के ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वह नकारात्मक प्रभाव एक यह भी है कि परिवार बाजार निर्भर इकाई होने के कारण महिलाओं की जो स्थिति है वह और नाजुक हो जाती है। और नीतियों के स्तर पर अगर हम यहाँ पर दो बातों को देखें, जैसे आप ये कहेंगे कि बाजार निर्भर इकाई कैसे हो गई, तो आज भारत सरकार आर्थिक सर्वे 2018-19 के अनुसार वह तकरीबन जो है 7.3% जीडीपी का सोशल सेक्टर पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और दूसरे जो मद हैं उन पर रही है। इसमें तकरीबन या इसमें 3% शिक्षा पर है और 1.5% के आसपास स्वास्थ्य पर है। आप ये कहेंगे कि ये पहले से बढ़ाया गया है, लेकिन आबादी भी तो हमारी बढ़ी है और पहले से बहुत ज़्यादा ये जो खर्च हैं, ये जो व्यय हैं, ये व्यय बढ़ाए नहीं गए हैं। इसीलिए अमर सेन और जयाद्री भारत के विरोधाभास नामक एक किताब में लिखा कि स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर भारत को अपने स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर अपने जो राजकीय व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक तो ये है, दूसरी बात ये है कि जो राज्य की नीतियाँ हैं उन राज्य की नीतियों का जो प्रभाव है वह प्रभाव वास्तव में परिवार पर पड़ता है। 1990 के दशक में जो जर्मनी था, जर्मनी के एकीकरण के बाद, जो एकीकरण पूर्व जर्मनी में जो स्कीम्स चलाई जा रही थी परिवार को, उनको वापस ले लिया गया और इसके बाद वहाँ पर देखा गया कि लोग विवाह करने से कतराने लगे, तो आर्थिक असुरक्षा बढ़ती है, तो विवाह संस्था, परिवार संस्था, इन सब पर क्या होता है, फर्क पड़ता है। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन जो है, जब एक मार्केट स्टेट को वेलफेयर स्टेट से, वेलफेयर स्टेट की जगह पर रिप्लेस करता है, तो वो फैमिली एक्सपेंडिचर या सोशल एक्सपेंडिचर को कट करने की बात करता है, क्योंकि वो कहता है कि अनप्रोडक्ट। और ये जो है जिन सुपात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए उन सुपात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरी बात है कि बड़ी बड़ी एमएनसीज आती हैं और उन एमएनसीज का फर्क, प्रभाव ये पड़ता है कि कुटीर उद्योग जो होते हैं, घरेलू या जो लघु उद्योग होते हैं, वो तबाह हो जाते हैं। और उसमें ये देखा जाता है कि कई बार या सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के रूप में ज़्यादातर महिलाएँ काम कर रही होती हैं। और ये मैंने 2-3 उदाहरणों के द्वारा आपको बताया कि बनारसी साड़ी पर किस तरह से प्रभाव पड़ा चीन और कोरिया के धागों के आने का, बिहार के महिला श्रमिकों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, या फिर गुजरात की गोंद बुनने वाली, गोंद को एकत्रित करने वाली महिलाओं पर सूडान से किस प्रकार का, सूडान से गोंद आने पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, या फिर इसी तरह गुजरात की मछुआरों, मछली के काम से जुड़ी हुई महिलाओं पर किस तरह पड़ा। इसी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मशीनीकरण से भी वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वह जुड़ी हुई है, और उस प्रक्रिया में महिला को अंततः अपना रोजगार जो है कुर्बान करना पड़ता है। पंजाब में हरित क्रांति का प्रभाव महिला रोजगारों की, महिला जो रोजगार हैं उनकी समाप्ति के रूप में देखा गया। विस्थापन की भी पीड़ा जो है वो अंततः महिलाओं को उठानी पड़ती है। केरल में, जो केरल के समाज में आत्महत्या दर ज़्यादा है, उसको वहाँ के माइग्रेशन से भी जोड़ा जाता है।
एक डिजिटल डिवाइड भी एक दिख रहा है जो जेंडर से जुड़ा हुआ है, केवल 16% महिलाएं ही इंटरनेट यूजर्स हैं, जबकि भारत दूसरा बड़ा इंटरनेट यूजर्स का देश है। और इसके साथ ही जो ग्लोबल सोशल मीडिया है उसमें रिवेंज पॉर्न, डीप फेक जैसे एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जैसे जो कार्य, जो वास्तव में टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके महिला का एम्पावरमेंट नहीं बल्कि महिला को नुकसान पहुंचाए जाने की कोशिश होती है। तो और इसको पूरा अगर समराइज करें तो वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव यह है कि यह एक वैश्विक महिला आंदोलनों को, आंदोलन को जन्म देने में सहायक रहा है। महिला की पहचान एक व्यक्ति के रूप में हो, न कि एक पत्नी, एक माँ या एक घरेलू जीवन में काम करने वाली होम मेकर के रूप में, हाउसवाइफ के रूप में हो। कामकाजी महिलाओं का जो दायरा है और उनकी प्रतिशतता जो बढ़ी है, इसके वजह से कम उच्च वर्ग और मध्य वर्ग में ये चीज़ें आई हैं। ई गवर्नेंस और मोबाइल गवर्नेंस के टूल्स के द्वारा जो सरकारें हैं वो ज़्यादा महिला सशक्तिकरण सक्षम हो चुकी हैं। और अंतरदेशीय जो जुड़ाव है वो जुड़ाव भी महिला आंदोलनों के संदर्भ में लिंगीय न्याय के मुद्दे, जैसे कि 3 तलाक के प्रतिरोध का, उसके संदर्भ में भी दिखाई पड़ता है। और इसके नकारात्मक प्रभावों में परिवार का बाजार निर्भर हो जाना और महिलाओं पर उसका प्रभाव पड़ना, कुटीर उद्योग धंधों और घरेलू जो वास्तव में या हम कह सकते हैं जो लघु उद्योग हैं, लघु उद्योगों की समाप्ति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था का मशीनीकरण, डिजिटल डिवाइड का होना और वैश्विक सोशल मीडिया का होना, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपको दिखाने पड़ेंगे। हम इसी तरह के जो और भी प्रश्न हैं उन पर आपको एक मॉडल उत्तर लिखने के लिए क्या क्या विषय वस्तु, क्या क्या डायमेंशन, क्या क्या डायरेक्शन रखना होगा, उनको आपको बताया जाएगा। और आपको अगर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में कहीं पर भी कोई समस्या है तो आप हमें इनबॉक्स में बता सकते हैं। और इसके साथ ही कि ये माध्यम है अपने पुराने बच्चों से जुड़ने का, ये माध्यम है जिससे आपकी तैयारी की दिशा को ठीक किया जा सके, इसलिए आपका कोई भी प्रोत्साहन, चाहे वो सब्सक्राइब करने के रूप में हो या फिर जो है वो घंटी बजाकर जल तेजी से जो है इन सब तरह के जो वीडियोस हैं उन वीडियोस से जुड़ने के रूप में हमें प्रोत्साहित करता है। तो आगे इसी तरह के क्वेश्चंस और भी, मॉडल आंसर्स और भी अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।